हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास या प्रवासन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, माइग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ही हम प्रवास या प्रवासन या फिर माइग्रेशन कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एक जिले से दूसरे जिला, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक देश से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी से एमपी में गया, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में गया, तो ये एक माइग्रेशन हो गया। वो पर्सन उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में माइग्रेट हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम इसके आगे उसके टाइप का बात करें माइग्रेशन के प्रकार का, तो माइग्रेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल माइग्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंटरनल माइग्रेशन द टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच ए पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ कंट्री, यानी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के जा रहा है लेकिन वो अपने देश के अंदर ही माइग्रेट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। एग्जांपल भाई, आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो वो हो गया एक इंटरनल माइग्रेशन का एग्जांपल। दूसरा हम बात करें एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो एक्सटर्नल माइग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि यह एक ऐसा माइग्रेशन है जिसके अंतर्गत हम अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल माइग्रेशन। यानी कि एग्जांपल में हम देख लेंगे, इंडिया से अगर कोई व्यक्ति यूएसए जाता है, चाइना जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो उसको हम बोल देंगे ये एक्सटर्नल माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।